ये नंबर फिर याद रखना भाई, ये नंबर याद रखना, मैं आपको लिख के भेज दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी, ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, फिर आपने क्या करना है? टेक उन्होंने जो लगा के, अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा, तुमने उधर लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट में अपने अपना लिखा, अपने अपना नंबर लिखेगा बैलेट के ऊपर, तो वोट वोट ज़ाया हो जाएगा, वोट ज़ाया हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटों की मुबैना खरीदारी, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आने पर तहलका मच गया। वीडियो में पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली से मुबैना तौर पर वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे से जो जिस शख्स ने आपने वीडियो में देखा होगा वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर हमें बैलेट के ऊपर मोहर लगी हुई मिले हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को वोट देने जा रहा हूं तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी मर्जी का निशान लगाऊं। अगर वो हफीज शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, जो कि अक्सरियत पीटीआई की अक्सरियत जो मेंबरान है वो हफीज शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते। अली हैदर गिलानी ने वीडियो को असल मान लिया, कहते हैं वो सेनेट उम्मीदवार के बेटे हैं, वोट मांगना उनका हक है। कई हुकूमती अरकान ने कहा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीटीआई वाले अपने अरकान को संभालें, हुकूमत खुद अरकान को 50-50 करोड़ के फंड्स दे रही है। बिलावल भुट्टो बोले पीडीएम जीत चुकी, अगर इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो हुकूमत ही ऐसा कर रही है। तहरीक इंसाफ का सेनेट उम्मीदवार यूसुफ गिलानी को नाअहल करार देने का मुतालबा, विफाकी वुज़रा समेत वफ़द इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में कोहराम मचा हुआ है, वो गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने आए लेकिन इलेक्शन कमीशन में ताले लगे हैं। असद उमर कहते हैं अली हैदर आइन को पामाल करते हुए पकड़े गए। पार्लियामेंट का बड़ा ऐवान, कल लगेगा बड़ा इंतखाबी मैदान। सेनेट के इलेक्शन का दंगल, बड़े मुकाबले में यूसुफ गिलानी और हफीज शेख मद्दे मुकाबल, मजमूई तौर पर 37 खाली नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पीडीएम के यूसुफ गिलानी और पीटीआई के हफीज शेख इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खवातीन नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद और नून लीग की फरजाना कौसर आमने सामने। तीन सूबों में सेनेट की 35 खाली नशस्तों पर इंतखाब होंगे। सिंध असम्बली में 11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में 12-12 नशस्तों पर पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इंतजामात मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन ने असम्बलीज को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया। पंजाब से पहले ही तमाम 11 सीटों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, अगले 2.5 साल जमकर हुकूमत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं एक तरफ वो, दूसरी जानिब माफिया है, उनका चोरों के साथ मुकाबला है। करप्शन की वजह से उनसे हाथ नहीं मिलाया, निज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं। अगला हदफ अवामी मसाइल का हल है, उसके लिए कानून साजी करेंगे। इमरान खान का अराकीन असम्बली के एजाज में जोहराना, दूसरे दिन भी अहम मुलाकातें। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन रहनुमाओं और अराकीन के एजाज में अशाया। हमजा शहबाज कहते हैं सदारती रेफरेंस हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। पीटीआई के कई अरकान नाराज हैं, उम्मीद है यूसुफ गिलानी जीतेंगे। शाहिद खाकान ने कहा नून लीग के इजलास में तमाम अरकान मौजूद थे, हुकूमती मेंबर्स की बड़ी तादाद भी राबते में है। इस्लामाबाद की हवाएं कभी ठंडी और कभी गर्म होती हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का मिशन बलोचिस्तान, कामयाबी से हमकिनार, इत्तेहादियों को मना लिया। यार मोहम्मद रिंद का बेटा भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। यार मोहम्मद रिंद और जाम कमाल में मामला तय, सितारा अयाज और इसरार जहरी भी दस्तबरदार हो गए। नसीब मरी बदस्तूर नाराज, यार मोहम्मद रिंद कहते हैं बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई के 7 अरकान होने के बावजूद अपना सेनेट उम्मीदवार ना लाने का दुख है। सेनेट इंतखाबात 2021 में वोट खुफिया ही रहेंगे। वक्त की कमी के बायस इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात पुराने तरीके से कराने का फैसला। हुकूमत की तनकीद, इलेक्शन कमीशन की राय को कमजोर करार दे दिया।
उधर इलेक्शन कमीशन विजिलेंस कमेटी ने लियाकत जतोई को बुलाने का फैसला कर लिया। लियाकत जतोई ने सैफ अबड़ू पर 35 करोड़ में टिकट लेने का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान सुपर लीग पर कोरोना के साए, मजीद दो खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल के टेस्ट मस्बत आए। पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समी बर्नी का कहना है कि पीएसएल का कोई मैच मुलतवी नहीं होगा। कोरोना पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ी 10 दिन करंटीना में रहेंगे। कराची किंग्स ने अपने फील्डिंग कोच कामरान खान की कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। रुपए की कदर में आया मजीद इस्तेहकाम, डॉलर का एक साल में कम तरीन दाम। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे मजीद सस्ता, 157.85 रुपए पर बंद हुआ। एक माह के दौरान डॉलर की कीमत में 2.25% कमी वाकई हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे सस्ता, 157.90 रुपए का हो गया। पाकिस्तान और चीन में ताल्लुकात के क़याम को 70 साल मुकम्मल हो गए। वज़ारत खारजा में तकरीब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद और चीन के सफ़ीर नॉन्ग रोंग की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और तआवुन पर मबनी हैं, दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत ख़ारजा ने पाक चीन ताल्लुकात पर दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को लगातार चौथी शिकस्त से बचने का चैलेंज दरपेश। पीएसएल 6 का अहम मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की पहले बैटिंग। मुकर्रा ओवर्स में 156 रन बनाए, सरफराज अहमद की निस्फ सेंचुरी। 157 रन के हदफ के ताकुब में यूनाइटेड की बैटिंग जारी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप बाकी दुनिया की मिसालें उठा करके देखें तो अमेरिका में ये तकरीबन 100 साल ये बहस रही और अमेरिका में कहा गया कि जो हमारा सेनेट है वो तो बिल्कुल बिलियनर्स क्लब बन गया है। लिहाजा अमरीका में उन्होंने ये रिफॉर्म किया कि उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ चले गए। हिंदुस्तान के अंदर 1974 से ये बहस हुई और हिंदुस्तान में ये फैसला किया गया कि जो बैलेट पेपर है वो पार्टी का जो नॉमिनी है सदर का उसको देख के डाला जाएगा। अगर आप जो पार्टी का नुमाइंदा है उसको बैलेट पेपर नहीं दिखाते तो वो इनवैलिड तसव्वुर होता है। इसी तरह से और बहुत सारे ममालिक ने जो सेनेट का इलेक्शन है उसको ओपन कर दिया और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि देखिए बतौर जब MNA मैं सेनेट में वोट डालता हूँ तो मैं अपने हलके के लोगों का अमानत जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, तो मेरे हलके के लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अपना वोट जो है वो किधर डाल रहा हूँ। इसकी वजह से ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसको हमने एक ओपन करने की कई कोशिश की। जो कानून हम लेके आए ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही कानून है जो 2015 में PMLN लेके आई।